नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं आज बृहस्पतिवार और ग्रामीण विकास की क्लासेज होनी है, डिटेल क्लासेस, क्योंकि बृहस्पति शुक्र और शनि में आपको 3 दिन डिटेल क्लासेस ग्रामीण विकास से संबंधित मिलती हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 2 PM पर आपको हिंदी विषय से संबंधित जो है व्याकरण की क्लासेस मिलती हैं। दोनों को बहुत क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए, क्योंकि दोनों का जो आपका अंक अर्जन है यह विशेष महत्व आपके रखेगा। आगामी कोई भी परीक्षा है, चाहे आप जैसे राजस्व वाली इस समय जो लेखपाल की है, 5200 पद आने हैं, उनमें तो आपका ग्राम विकास सबसे ज्यादा अहम रोल निभाएगा ही, लेकिन जो मैं हिंदी पढ़ाता हूं वो हिंदी ऐसा नहीं कि जो आप UP SSC में बैठे हो तभी पढ़ सकते हो। आप किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हैं, जहां पर हिंदी पूछा जाना है बेसक पढ़िए, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। किसी भी स्टेट के हैं, जहां हिंदी आना है आप मेरे लेक्चर्स को पढ़िए, उससे बाहर चीजें नहीं जानी है, एकदम निश्चिंत रहिए। दूसरी बात, आज ग्रामीण विकास पर जो मैं आपसे परिचर्चा करने जा रहा हूं, मैंने आपसे तमाम चीजों के बारे में बात किया था कि जैसे वर्तमान में राजस्व की क्या व्यवस्थाएं रही या राजस्व में क्या क्या वसूले जाते थे, मालगुजारी क्या थी, लगान क्या थी, इन सारी चीजों पर मैंने बात किया। और मैंने कई ज्यादा मतलब जो भू राजस्व तरीके वर्तमान के थे और जो हमसे बीत चुके यानी अंग्रेजों के जमाने के, आज दोनों को मैं एक साथ लाया हूं कि वर्तमान में राजस्व प्रणाली को वसूलने का जो ढांचा है वह क्या है और भू राजस्व जो नीतियां थी वह क्या थी। दोनों को एक साथ हम कंपेरिजन करके पढ़ेंगे, ताकि ये, जैसे मैंने बहुत जगह पर ऐसे शब्दों का जिक्र किया कि ये रैयत वाली व्यवस्थाएं थी, काश्तकारी आई, तो बहुत सारे बच्चे वहां कंफ्यूज रहे कि सर ये हैं क्या टर्म, महलवाड़ी क्या है। इन्हीं व्यवस्थाओं पर जो है, चूंकि ये इतिहास का आपका जो है चैप्टर भी है, भू राजस्व जो ब्रिटिश प्रशासनिक सुधार जब आप पढ़ते हैं और उसमें भी भू राजस्व नीतियां ब्रिटिश कालीन की, उन्हीं दोनों को और वर्तमान और जो है वो जो थी, दोनों को आज मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले चीजें, टीम निःशुल्क यह सारे कोर्सेज चला रही है, आप सारे लोग जो है मस्त होकर पढ़िए, ठीक है, इंटरेस्ट बनाओ, जरूरी ये है। वर्तमान स्थिति को देखकर अपने आप को ऐसी भी स्थिति में ना डाल दो कि भविष्य पहले ही, हो सकता है भविष्य अच्छा ही जाए, वर्तमान में इतनी चीजें अपने अंदर इतने मतलब भयाकुल कर लो कि वर्तमान में जीना छोड़ दो, आप भविष्य को लेकर परेशान हो जाए क्या होगा कैसे होगा। वैसे ही वर्तमान युवाओं में क्या बढ़ रहा है, BP और इन सारी समस्याओं को आप देख ही रहे हो, बच्चों में क्या होता है, सुसाइड जैसी चीजें बढ़ रही है, मतलब वो ऐसे ही लोग ऐसे कदम घातक उठाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सब चीजें देखो, बेवकूफी नहीं करना है अपने साथ, पढ़ाई करो और दिमाग एक बार में एक ही क्षेत्र में 100% कार्य करता है। आप आइंस्टाइन नहीं, ठीक है, हम आप वो तो नहीं कि हमारा दिमाग 2 हिस्से में बटा है, हम एक साथ 2 कार्यों को कर लेंगे। इस वजह से अभी सारी चीजों को छोड़ो, ठीक है, जो चीजें आप बना के रखो, सर आयोग नौकरी नहीं देगा, सर वर्तमान में जैसी दशाएं हैं 2-3 साल बहुत बुरी दशा होगी, ये सब चीजों को छोड़ दो भैया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिन चीजों को आप लेकर भया वो बैठ चुके हैं, ठीक है, जो कुछ होने वाला है वो आगामी भविष्य में देखा जाएगा, वर्तमान में आपका कार्य है पढ़ना, अपने आधार पर कार्य करना, वो करिए, ठीक है, जिनसे कुछ भला होगा। तो जो टीम निःशुल्क प्रोग्राम चला रही है, इसमें 3 दिन जो हिंदी में पढ़ा रहा हूं, 3 दिन आपका जो इस समय, ठीक है, ग्रामीण विकास चल रहा है, ग्रामीण विकास की सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन आपकी क्लासेज होती हैं MCQ के बेस पर, उनको देखिए, 3 दिन डिटेल पढ़िए, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और यह सब कुछ निःशुल्क है, आप किसी भी संस्थान का कोर्स लेने जाएंगे वहां पर यही सारी विषय, हो सकता है इतनी अच्छी क्वालिटेटिव भी ना हो, फिर भी आपको जबरदस्ती पैसा फूकना पड़ेगा। और यहां जब हम आपसे कहते हैं कि आपको भैया PDF चाहिए, हर एक क्लास की नोट चाहिए, क्विज चाहिए, तो आपको क्या करना है, 150 रुपए महीने के हिसाब से 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना है 499 में। तब आपको लगता है नहीं सर लॉकडाउन चल रहा है, बड़ी बुरी चल रही है इस दिन, मतलब मैंने बच्चों को देखा है, आप भी उतना समझदार है सारे लोग, यहां मैं किसी को तर्क नहीं दे रहा या किसी को मैं हरासमेंट में भी नहीं ले जाना चाह रहा, लेकिन मैंने बच्चों का देखा है कि सर 499 रुपए बड़े महंगे है 3 महीने के लिए। भैया 2500 रुपए देके आप एडमिशन ले सकते हो, आप 3000 रुपए देकर एडमिशन ले सकते हो, वर्तमान हालात में मैं बता रहा हूँ, जो लोग कोर्स बेचेज रहे हैं वहां पर अच्छे खासे बच्चे हैं, वो वही हैं जो दूसरे चैनल पर जाकर रोना रोते हैं, तो ऐसी चीजों को मत करिए। 499 रुपए सब्सक्रिप्शन लीजिए, 150 रुपए महीने, इतनी भी बुरी स्थिति में नहीं है कि आप 150 रुपए ना खर्च कर पाओ, जहां से कुछ भला होना है उन चीजों पर बढ़ो, ठीक है,
ये सब मैं बोलना नहीं चाहता आप लोगों को कि आपको लगेगा कि सर ऐसा ऐसा क्यों बोलते हैं। मैं कमेंट देखता हूं आप सभी के, बहुत सारे बच्चे तो इसी में है सर, भर्ती होगी कि नहीं होगी पढ़ाई। अरे भैया पढ़ाई तो करो यार, तुम भर्ती लेकर पहले बैठो, पहले आयोग देखो। ये उत्तर प्रदेश की मानसिकता है बच्चों की कि आयोग जब फॉर्म निकाल देगा, डेट घोषित कर देगा, तब हम सिलेबस उठाएंगे कि पढ़ना क्या है, उसके बाद तब बड़े बड़ों के भैया बता दो कौन सी किताब ले आए पढ़ डाले। यही हालात यहां, हम ये नहीं काम करते कि हमारा आधार क्या है, हम सारे विषय खत्म कर लें फिर पढ़ाई परीक्षा को देखें। नहीं, हम पहले नौकरी आ जाएगी, विज्ञप्ति आ जाएगी घर में, हम फॉर्म भर के और डेट जब आयोग बता देगा तब हम घर से निकलेंगे, चलो पढ़ लेते हैं। अच्छा टेस्ट सीरीज बता दो, कोई ले लेते हैं, टेस्ट सीरीज से फंस जाएगा। बच्चे क्या करते हैं जानते हैं, कहेंगे आपके टेस्ट सीरीज से पूरा फंस जाएगा। अरे भैया हम आयोग में बैठे हुए जो है वही टीचर हैं क्या जो पेपर बना के दिए हैं? ये ऐसे बच्चों के कमेंट होते हैं जो अपने आधार पर काम नहीं करते, और उत्तर प्रदेश में ऐसे संख्या बल बहुत ज्यादा है, इस चीज को समझिए। ऐसी संख्या बल में आप न शामिल हों, एक अच्छे ठीक है आप विचारणीय व्यक्ति बने और सही कदम सही भविष्य की ओर उठाएं। कोई भी दिक्कत होती है ठीक है, उन सभी दिक्कत के लिए 3 नंबर आप सभी के सामने देखते हैं, इन पर कभी भी 24/7 आप कॉल कर सकते हो, रात में सोने के वक्त छोड़ देना बस। तो चलो आगे बढ़ते हैं, दो चीजों पर चर्चा है, दो चीजें क्या है उनको देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे बहुत बढ़िया से ठीक है। देखो मेरे, मैं जितनी बातें कहता हूं वो हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई कड़वी होती है, इस चीज को आप समझिए और उसको पीने का प्रयास करिए ठीक है। देखो आज हम जो लोग बात करने जा रहे हैं, ये दो मुद्दे मैं उठाऊंगा राजस्व व्यवस्था की ठीक है। आज राजस्व व्यवस्था में मैं दो मुद्दे आपके सामने लाया हूं जो बेहद चर्चित हैं और जो है समझने के दृष्टि से भी बहुत जरूरी है, अगर आप राजस्व परिषद को बार बार पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखो आज मैं दो चीजों में कंपेयर आपसे करूंगा, एक तो प्रशासनिक सुधार मैं आपको समझाऊंगा कि जो प्रशासनिक सुधार हुए थे ब्रिटिश कालीन दौरान ठीक है, ये क्या था प्रशासनिक सुधार, और इसमें मैं आपसे बात करूंगा भू राजस्व नीतियों से संबंधित ठीक। इसमें भू राजस्व नीतियों को हम देखेंगे और किनके, उन भू राजस्व नीतियों को हम पढ़ेंगे जो अंग्रेज लेकर आए थे, यानी ब्रिटिश भारत के दौरान जो जो चीजें चली थी ठीक है। तो ब्रिटिश भारत या ब्रिटिशर्स के द्वारा जो राजस्व नीति अपने यहां आई थी उनको हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज, वर्तमान परिपेक्ष में इन सारी राजस्व नीतियों को ठीक है कौन कैसे चलाता है, यानी वर्तमान जो राजस्व ढांचा है इसको हम लोग सीखेंगे। इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं ठीक है, थोड़ा सा यहां जिक्र करना मेरा यह जरूरी है, जो प्रशासनिक सुधार जिनके अंतर्गत ब्रिटिश हमसे पैसा लेते थे, मतलब ब्रिटिश जो हम पर शासन करते थे, चूंकि बात थी 1764 की, बक्सर का युद्ध होता है ठीक है, 1757 प्लासी का युद्ध होता है और 64 में बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर के युद्ध के बाद 65 की बात है, इलाहाबाद की संधि होती है। संधि के द्वारा क्या होता है, 3 आपकी वैसी प्रेसिडेंसियां थी जिनके जो है राजस्व वसूलने का कार्य किसको चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को चला गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व वसूलने का कार्य जाता है तो यह तरह तरह के तमाम ऐसी नीतियों को समय समय पर लाती है जिनके अंतर्गत ये लगान की व्यवस्था को, राजस्व की व्यवस्था में लगातार कुछ ना कुछ नए बदलाव करती रहती है। इन्हीं सारे बदलावों पर हमें परिचर्चा करनी है और वर्तमान परिदृश्य में भी हमें बात करना है कि यह समय जो राजस्व वसूला जाता है वो राजस्व वसूल कैसे होती है। तो उस समय के बारे में मैंने आपको एक बार और भी जिक्र किया था कि जो अंग्रेजों का कार्यकाल था इसमें यह व्यवस्था चलती थी कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि इसने जमींदार को बनाया, जमींदार का मतलब इसने बिचौलियों को बनाया सबसे पहले, और बिचौलिए क्या करते थे, किसानों से जो है ये लगान वसूलते थे। तो बिचौलिए जो जमींदार होते थे, जमींदार को आप बिचौलिया बोल सकते हो, दलाल बोल सकते हो, जमींदार किसान से लगान लेते थे जिस जमीन पर ये खेती करते थे, वो जमीन जमींदारों को अंग्रेज देते थे कि आपको 1000 बीघा दे दिया, मुझे इतना राजस्व हर वर्ष चाहिए ठीक है, आप इस पर जाकर के खेती करवाइए कुछ भी करवाइए, वो जमींदार ले लेता था। अब यह जमींदार इसको छोटे छोटे किसानों में बांट देता था कि 10 बीघे तुम्हें, 5 बीघे तुम्हें, जिसकी जैसी जो है शक्ति होती थी उस अनुसार वो जमीन लेता था और उस पर जो है फसल उगाता था, फसल उगाने के बाद लगान देता था जमींदार को। अंग्रेज क्या करते थे, जमींदार क्या करता था, जो लगान किसान से मिलती थी उसको अंग्रेज को वापस करता था और उसको मालगुजारी नाम दिया गया था।
ठीक है, इसको मालगुजारी कहते थे, जो जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश को वापस करता था। अब धीरे धीरे ये जमींदार वाला जो खेल रहा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार और यह किसान के बीच में जो खेल रहा, इसमें बदलाव हुए, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हमें देखने को मिली। इसी में जैसे जैसे प्रांत, सबसे पहले तीन सूबे आपके इसके अधीन आए, जहां पर क्या किया गया, राजस्व प्रणाली जो है अंग्रेजों के हाथ में गई, फिर धीरे धीरे और कई सारे प्रांत जो है अंग्रेजों के हाथ में आना प्रारंभ हुए, उसमें अपना संयुक्त प्रांत भी आया। संयुक्त प्रांत में भी जो है अंग्रेजों ने इस राजस्व प्रणाली की व्यवस्था को लागू किया, यहां पर कोई और प्रणाली आई थी। तो इन्हीं तमाम चीजों को आप पढ़िए कि राजस्व व्यवस्था तब क्या थी, आज क्या है, दोनों पर मैं परिचर्चा आपसे करूंगा, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। बहुत ध्यान से चीजों को जाओगे, भाषा मेरी बहुत ही आसान होती है, ठीक है, एक सामान्य स्तर का भी विद्यार्थी बहुत ढंग से अगर मेरे लेक्चर को देख रहा, कंसंट्रेट है, तो उसको मुझे नहीं लगता कि मेरे बाद जितने पॉइंट बताए जाते हैं उनमें कोई भी दिक्कत आएगी, ठीक है। बाकी मेरे लेक्चर सब रिलेट होते हैं भैया, अगर आप सीधा मेरे इस पॉइंट पर आए हो, इसी लेक्चर को देख रहे हो, तो प्लेलिस्ट में जाओ चैनल के, वहां 10+ कोर्सेस के नाम से, ठीक है, पूरी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, हिंदी की अलग है, एमसीक्यू जो ग्रामीण विकास की उसकी अलग है, मैथ की अलग है, रीजनिंग की अलग है, पॉलिटी अलग है, जीएस की हिस्ट्री अलग है, उसी में आपका जो है ग्रामीण विकास के लेक्चर अलग पड़े हैं, तो डिटेल क्लासेस को ओपन करो, वहां पूरा देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, प्रशासनिक जो सुधार आपके ब्रिटिश या भू राजस्व नीति जो रही, इन पर अब मैं परिचर्चा कर रहा हूं। देखो, राजस्व प्रशासन अगर हम अंग्रेजों के द्वारा बात करें, तो अंग्रेजों ने राजस्व प्रशासन को लेकर कुछ नीतियां अपनाई थी, और सबसे पहले मैंने बात किया कि 1765 में जब इलाहाबाद की संधि होती है, 64 में बक्सर के युद्ध के बाद, तो अंग्रेजों को तीन प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई थी, उनमें बंगाल आपका था, बिहार था और उड़ीसा था, इन तीनों की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव ने सर्वप्रथम एक वर्षीय राजस्व बंदोबस्त को लागू किया। सर्वप्रथम क्या लागू हुआ था, एक वर्षीय राजस्व बंदोबस्त, यानी एक साल में राजस्व का ताना बाना कैसे वसूल किया जाएगा, इस चीज को उसने बहुत अच्छे से बुना। अब 1772 की बात है, इसमें वारेन हेस्टिंग द्वारा एक 5 वर्षीय व्यवस्था लागू की गई 1772 में। अब 5 वर्षीय व्यवस्था आ गई, अब क्या होता है, जिसमें भूमि को ठेकेदारों को 5 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता था, मतलब जो जमीन होती थी उस जमीन को किसी भी ठेकेदार को 5 साल के लिए देते थे कि भैया आप जमीन ले जाइए, आप 5 साल तक इस जमीन के मालिक हैं। फिर इस व्यवस्था को इजारेदारी व्यवस्था या ठेकेदारी व्यवस्था या फार्मिंग सिस्टम कहा गया, ठीक। तो इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई, समझ गए। इजारेदारी व्यवस्था क्या है, यानी जमीन को 5 वर्ष के लिए किसी ठेकेदार को ठेके पर दे देना। दूसरी बात, 1772 की ही बात है, 1772 में एक अन्य राजस्व संग्रहण व्यवस्था, यानी राजस्व जो है रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, राजस्व संग्रहण व्यवस्था, पंचशाला बंदोबस्त प्रारंभ की गई। 1772 में ही पंचशाला बंदोबस्त आई, जिसमें उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। अब अंग्रेज यहीं से खाना प्रारंभ करते हैं, यानी 5 बीघे मैं आपको जमीन दे रहा हूं, पंचशाला 5 साल के लिए भी दे रहा हूं, लेकिन उस जमींदार को मैं जमीन दूंगा जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा। बोली का मतलब क्या, कि मैं सालाना इस जमीन पर उगने वाली फसल का 1/10 दूंगा, मैं 1/6 दूंगा, मैं 1/3 दूंगा। तो इस अनुसार बोली लगती थी कि आप हमें कितना ज्यादा माल दोगे, पैसा दोगे, कर दोगे, ठीक। अंग्रेज उस अनुसार क्या करते थे, जमीन को आवंटित करते थे, समझ गए। अब क्या होता है, पंचशाला जो बंदोबस्त आपका आया था, इसके बाद चीजें 1772 में ही एक और हमें देखने को मिलती है, एक अन्य व्यवस्था इसमें आई थी 1772 में ही, जिसको सालाना बंदोबस्त बोला गया। सालाना मतलब हर साल के लिए, 1 साल के लिए जमीन दे दो, ऐसी चीजें यह प्रारंभ की गई। 1786 में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई। अब आपसे पूछे कि रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो बात थी 1786 की, ठीक है। 65 से सारी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जैसे बक्सर का युद्ध होता है, इलाहाबाद की संधि होती है, वहीं से सब कुछ धीरे धीरे राजस्व जो है प्रशासन में अंग्रेजों की दखलंदाजी बढ़ना प्रारंभ होती है, और ये 86 में एक रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हो जाती है। आगे चलकर अंग्रेजों ने राजस्व संग्रहण
यानी रेवेन्यू कलेक्शन की तीन पद्धतियां अपनाई जो निम्न है। अब उन तीनों पद्धतियों को आप पढ़िए कौन कौन सी थी। सबसे पहली चीज आती है अस्थाई बंदोबस्त, मतलब परमानेंट अगर सेटलमेंट किसी चीज का किया जाए अस्थाई बंदोबस्त उसको बोलते हैं। क्या चीजें रही भाई अस्थाई परमानेंट चीज क्या है? इसमें जो कहा गया इसी जमींदारी व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था बोलते हैं, इस जमींदारी व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था बोलते हैं। इससे पहले हमने क्या बात किया, जो ठेकेदारी व्यवस्था आई उसको इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। यह इस्तमरारी आपकी व्यवस्था है यानी जिसको परमानेंट सेटलमेंट के तौर पर हम लोग जानते हैं। दूसरी बात, लॉर्ड जो कार्नवालिस रहा इसने जानसोर की रिपोर्ट के आधार पर, किसके जानसोर की रिपोर्ट के आधार पर सर्वप्रथम 1790 में 10 वर्षों के लिए इस व्यवस्था को लागू किया। किसको? इस्तमरारी या स्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया। कब? 1790 में इसको 10 साल के लिए लागू किया गया। 22 मार्च 1793 की बात है, 22 मार्च 1793 में अस्थाई आधार पर 10 वर्षीय प्रबंधन कर दिया गया। ठीक है, 22 मार्च 1700 पहले इसने क्या किया, 1790 में इसको 10 वर्षों के लिए लागू किया, लेकिन बाद में इसको 10 वर्षीय प्रबंधन के लिए मंजूरी मिल गई। दूसरी बात क्या आती है, यह जो व्यवस्था रही आखिर इस व्यवस्था में राजस्व का तरीका क्या था, कैसे वसूलते थे, कर नीति क्या थी। ध्यान दें इस व्यवस्था में 10/11 भाग होता था यह सरकार को जाता था तथा 1/11 भाग होता था यह जमींदारों को निश्चित कर दिया गया। यानी जिस जमींदार को जितनी जमीन दी गई वह जितना कलेक्शन लेगा उस कलेक्शन का 1/11 भाग अपने पास रखे, बाकी राजस्व को अंग्रेजों के हाथ में पहुंचा दे मालगुजारी के तौर पर। समझ गए, यह व्यवस्था आपकी क्या थी, यह व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त थी। समझ गए किसने प्रारंभ किया, लॉर्ड कार्नवालिस इसका जनक था पूछा जाता है, और सर्वप्रथम 1790 में 10 वर्ष के लिए प्रारंभ हुई, 22 मार्च 1793 से यह लगातार चलने लगी, इसको वो शासकीय मंजूरी मिल गई। उसके बाद इस व्यवस्था में 10/11 भाग सरकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, बाकी 1/11 भाग जो जमींदार होता था वो अपने पास रखता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, यह व्यवस्था किन किन प्रांतों पर लागू हुई, यह भी सवाल आपसे पूछता है, तो यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर कर्नाटक तथा बनारस सहित ब्रिटिश भारत के 99% क्षेत्रों में लागू की गई। ब्रिटिश भारत यानी जहां जहां अंग्रेजों का शासन था उन क्षेत्रों में। ठीक है, यानी कहां कहां, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तरी कर्नाटक में, बनारस सहित ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू की गई। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त। आगे बढ़िए भैया, अस्थाई बंदोबस्त के उचित क्रियान्वयन के लिए 1794 में एक सूर्यास्त कानून बनाया गया। कैसा कानून? सूर्यास्त कानून, जिसमें जमींदारों को वर्ष के अंत में एक निश्चित तिथि से सूर्यास्त से पूर्व वसूला गया लगान अंग्रेजी खजाने में जमा करना होता था, अन्यथा जमींदारों की जमीन वापस लेकर नीलाम कर दी जाएगी, ऐसा फरमान अंग्रेजों के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, तो सूर्यास्त समझ गए क्या होता था, यानी अगर उसने कह दिया कि मार्च महीने की 30 तारीख से पहले आप सभी को, जितने जमींदार हैं सभी को राजस्व यहां जमा करना है, तो आपको हर हाल में जमा करना है। अगर आप 30 तारीख तक राजस्व लेकर नहीं पहुंचते हैं तो आपको जो जमीनें आवंटित की गई हैं उन जमीनों को नीलामी करके किसी अन्य ठेकेदार को दे दिया जाएगा जो आपसे ज्यादा बोली लगा देगा। समझ गए, यह प्रक्रिया थी। अब दूसरी व्यवस्था समझ लीजिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। ठीक है, देखो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, जैसे इससे पहले आप देखे अस्थाई बंदोबस्त में कि जमीन को किसी ठेकेदार को देते थे उससे राजस्व अंग्रेज लेते थे, वह ठेकेदार जमीन को फिर से बांटता था, यह जो व्यवस्था रैयतवाड़ी रही इसमें अंग्रेजों ने राजस्व का बंदोबस्त सीधे किसानों से किया, यानी बिचौलियों को खत्म किया, किसानों को ही भूमि का वास्तविक मालिक माना गया इसमें। पहले ठेकेदार होते थे जो खरीद लेता था, जमींदार होते थे। 1792 में सर्वप्रथम यह व्यवस्था बारामहल जिले में कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले किसके द्वारा, कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई थी। कब? 1792 में। 1820 की बात है, 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास का गवर्नर नियुक्त होने पर संपूर्ण मद्रास में यह व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था में। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग यानी कर्नाटक जिसे वर्तमान में जानते हैं,
इन सभी जगहों पर लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था को। ध्यान दें, इस व्यवस्था में जो उपज होती थी किसानों को, जितनी खेती उसने की जितनी जमीन पर और जितना पैदावार हुआ, ठीक, पैदावार को उपज कहते, उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में देना होता था। आप समझिए, मतलब अगर एक क्विंटल पैदा हुआ तो 50 किलो अंग्रेज ले जाए, सब कुछ करिए आप, 50 किलो अंग्रेज लेकर चले गए सिर्फ जमीन के बदले, कैसी नीतियां थी। ये थे वो अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटेन जैसे लोग, जिन्होंने भारत को बर्बाद नहीं तहस नहस कर दिया, ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं लेकर आए। लगान अदायगी अगर कोई नहीं कर पाया व्यक्ति, भूमि जब्त की जा सकती थी, अगर लगान नहीं गई तो भूमि जब्त कर ली जाती थी। अगर मान लीजिए सूखा पड़ गया तो अंग्रेजों को इससे मतलब नहीं, उन्हें लगान चाहिए तो चाहिए। 51% क्षेत्र में यह व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी लागू की गई थी, 51% ब्रिटिश भारत, आप समझ सकते हैं। उसके बाद तीसरी व्यवस्था आती है जिसको हम महालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। यह भैया क्या था इसको समझ लो। देखिए, जो महालवाड़ी आपकी व्यवस्था थी, इसमें लगान की सामूहिक उत्तरदायित्व को निर्धारित किया गया। पहले क्या किया गया, पहले सिर्फ ठेकेदार को दिया गया, दूसरा ही बार किसान को मालिक बनाया गया, तीसरी जो व्यवस्था रही इसमें क्या किया गया, एक गांव समूह को मालिक बना दिया गया जमीन का, मतलब फला ग्राम पंचायत को 1,000 बीघे दी जाती है, इस ग्राम पंचायत से हम इतना राजस्व लेंगे। ये क्या था, ये जो व्यवस्था थी इसमें इसी के अंतर्गत, यानी लगान की सामूहिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया। इसके अंतर्गत महाल, महाल का अर्थ होता है गांवों का समूह, को मानकर उसी से बंदोबस्त किया जाता था कि भैया महालवाड़ी में क्या है कि गांवों के समूहों से हम सीधा सीधा क्या करेंगे, राजस्व वसूल करेंगे। अब क्या होती है, यह व्यवस्था 1819-20 में हाल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई। कहां पर, पंजाब में सबसे पहले जो है इसको लागू किया गया था। आगे चलकर मार्टिन बर्ड ने इसे व्यवस्थित रूप से लागू किया। तो सबसे पहले कहां पर आई, सबसे पहले पंजाब में आती है, उसके बाद जहां जहां ब्रिटिश भारत के क्षेत्र रहे उन पर यह व्यवस्थित ढंग से मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू की गई। दूसरी बात भैया, किन किन प्रांतों पर थी यह व्यवस्था, पंजाब में संयुक्त प्रांत यानी अपना उत्तर प्रदेश आधुनिक, मध्य प्रांत और आगरा सहित ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों में लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। आगे, इस व्यवस्था में लगान की दर जो वो सर्वाधिक थी, 2/3 अथवा 66%। बाप, मतलब समझ सकते हो, 66% लगान किसानों को दे देना पड़ता था जिस जमीन पर आप पैदावार कर रहे हो। 2/3, 1/3 अपने पास रखो, उसमें आपका परिवार खाए या मर जाए उससे मतलब नहीं, 2/3 हिस्सा ये अंग्रेज लेकर चले जाते थे। तो ऐसी ऐसी चीजें थी। वैसे भारत थोड़ी बर्बाद हुआ है, कुछ तो लूटा मुगलों ने, ठीक है, ऐसे लोग जिनको खाने को कुछ नहीं था, पता नहीं दुनिया के किस इलाके में पड़े थे, मुंह उठाए हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है और यहां पहुंच गए, ठीक है, एक से एक तुर्क अरबी ये सब क्या थे, इनको अपने देश में खाने को कुछ नहीं था, भूखे मर रहे थे, नंगे थे, वहां से चले चलो हिंदुस्तान जो है एक सब विदेश है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, ठीक है, मेहमानों का स्वागत जानते हैं, हर एक चीजें बढ़िया है, चलो वहीं लूट लाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें थी, हालांकि हिंदुस्तान में भी बहुत सारी कमियां रही, वरना ये भिकमंगे जैसे लोग भारत में सफल नहीं होते आक्रमणों में। लेकिन यहां पर जो इनकी नीतियां रही, ठीक है, इनमें नीतियों में सिर्फ एक चीजें रही है, ठीक है, वो चीजें क्या थी, हिंदुस्तान को लूटना और वो लूटे, ठीक है। यहाँ पर जितनी चीजें रही, बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत कुछ रहता है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, अंग्रेज पहले मुगलों ने लूटा, 800 साल लगभग शासन किया, सारी चीजें की, फिर अंग्रेज आ गए लूटने, ठीक है, अंग्रेजों ने लूटना प्रारंभ किया। बस मुगलों ने क्या किया कि हिंदुस्तान में जो चीजें थी राजस्व की, ठीक है, कोई कम अत्याचार नहीं हुए हैं, ऐसा कह देना, ऐसी सारी चीजें कर देना कि जो है भारत में मुगलों का योगदान बहुत बड़ा रहा, ये सारी चीजें रही, भाई यही का पैसा था, उन्हीं चीजों को आपने लगाया, तो उसमें योगदान क्या, आप अपने देश से लाकर यहां लगाते तो आप खुद बहुत बेगमंगे थे, ठीक है, जो तर्क है वो चीजें सत्य है, इनमें कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ऐसी चीजें कभी नहीं कि भारत में सब कुछ जो है बहुत बड़ी चीजें की गई। आप जो है भारत जानते क्या है, भारत में दक्षिण भारत घूम के देखिए भारत क्या है, वास्तुकला वहां पता चलेगी। चलिए बहरहाल उन चीजों से हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज आए, इन्होंने लूटना प्रारंभ किया, इनकी गलत नीति क्या थी,
कि इन्होंने जितना कुछ लूटा भारत से वह सब कुछ ब्रिटेन लेकर चले गए, इसी वजह से हम बर्बाद पर बर्बाद होते चले गए। ठीक है, यहां पर वही शासक बैठे हुए थे, वही शासक मजबूर होकर बैठे थे जिन्होंने कभी राज व्यवस्था को चलाया था, वो आज अंग्रेजों के क्या बने थे, कठपुतली बने थे, हर जगह अंग्रेज उनको नचा रहे थे और वो मजबूर होकर आराम से मस्त होकर देख रहे थे क्योंकि उनको अपने खर्चा चलाने का तो राजस्व मिलता ही था। ठीक है, बहरहाल उस समय भारत भी बहुत वर्गों में बटा था। ठीक है, जो कुछ होता है उसके पीछे कारण होता है और कारणों में आप जब चिंता करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। यहां आइए, जिसके परिणाम में किसानों का शोषण बढ़ा। जब ऐसी चीजें आ जाएंगी भैया, दो तिहाई आप राजस्व लोगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि शोषण बढ़ ही जाएगा। अब क्या होता है, इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया जाना प्रारंभ किया गया महालवाड़ी में। आगे बढ़ते हैं, एक व्यवस्था आती है तालुकेदारी, इसको समझ लो। तालुका क्या होता है, तालुका आज भी जानते हैं। ठीक है, आप लेखपाल बनेंगे, आपका भी हल्का होगा, तालुका होगा। ठीक है, तो वहां पर जो चीजें आती है, यह व्यवस्था अवध क्षेत्र में, अपने प्रांत में, ठीक है, अवध क्षेत्र में तालुकेदारों के साथ की गई। ठीक है, जिसको तालुकेदारी बोलते हैं, इसमें तालुकेदार कई गांवों के राजस्व का संग्रह करता था। इस व्यवस्था में तालुकेदार का भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता था, इन्हें माल वसूली का खर्च व वेतन दिया जाता था। ठीक है, भूमि पर इनका अधिकार नहीं होता था, इन्हें आप माल वसूल रहे हो उसका खर्चा ले लीजिए। ठीक है, और आपको प्रतिमा या जो है वेतन फिक्स किया जाता था कि इतने रुपए महीने आपको वेतन दिया जाएगा, तो ऐसी व्यवस्था को तालुकेदारी बोला गया। यह अवध क्षेत्र में अपने यहां लागू की गई थी। एक व्यवस्था इसके बाद आती है मालगुजारी व्यवस्था, इसको समझ लो। इसे 1861 में संयुक्त प्रांत में लाया गया, संयुक्त प्रांत यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश। ठीक है, कब, 1861 में। इसमें मालगुजारी भू राजस्व की वसूली करते थे। ठीक है, मालगुजारी जो होती थी, इसका मतलब यही था, मालगुजार बोलते थे उनको, ये भू राजस्व की वसूली करते थे, एक तरीके से अधिकारी बोल सकते हो। अब ये जो भू राजस्व व्यवस्था रही, इसके परिणाम या दुष्परिणाम क्या क्या रहे, भूमि हस्तांतरणीय बन गई, यानी ट्रांसफरेबल, जिसको हम बोलते हैं आजकल संक्रमणीय बोलते हैं। तो भूमि पहले क्या हो गई, हस्तांतरणीय, यानी एक से दूसरे को छीन के दे दिया, जब मर्जी आया उससे छीन के तीसरे को दे दिया, ऐसी बन गई। अगली चीज, भूमि को पूंजी विनिमय का साधन बना दिया गया। किसानों पर कर्ज का बोझ जो है बढ़ता चला गया। जमींदार व नव जमींदार, जो नए नए जमींदार बने, इन वर्गों का उदय हुआ, जाहिर सी बात है, शोषण बढ़ गया और साथ ही साथ उत्पादन में कमी आने लगी। शोषण इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि जब व्यक्ति के पास सारी चीजें आप छीन लो, वो बीज ना ला सके, सिंचाई के साधन व्यवस्थित ना कर सके, परिवार को ना खिला सके, वो कहां से राजस्व देगा, उत्पादन में कमी आनी ही आनी थी। उसके बाद प्राचीन भारतीय ग्रामीण संरचना इन सारी व्यवस्थाओं से टूट गई, धराशायी हो गई। जो ग्रामीण व्यवस्था चलती थी वह सबकी सब आपकी धराशायी हो गई। तो इनका जो प्रशासन रहा अंग्रेजों का, इसने भारत की राजस्व नीतियों से भारत के पूरे आर्थिक ढांचे को एकदम पूरा बर्बाद कर दिया। ठीक है, यानी इनका शोषण इतना अधिक बढ़ गया कि लोग आत्महत्या जैसी चीजों को उठाना एक क्या हो गया था, आम बात हो गई थी। व्यक्ति अगर राजस्व न जमा कर पाए तो पुलिस उठा ले जाती थी। आपको कुछ भी करना था, ये जमींदारी वगैरह व्यवस्था थी या जो राजा होते थे, मतलब कुछ भी करना होता था, आप अपनी जमीन पर पेड़ लगा रहे हो, आप अपनी जमीन पर कुएं खोद रहे हो, आपको लिखकर दे आना होता था कि ये सब हमारा नहीं, माई बाप का है, ऐसा लिखने की व्यवस्था थी भैया। ठीक है, ये जो जमींदारों वाली चीजें चलती हैं या राजा महाराजा जो छोटे छोटे होते थे, कुछ भी आप अपनी जमीन पर कर रहे हो, आपको सीधा सीधा लिखकर देना होता था कि ये हमारा नहीं, ये माई बाप का है। ठीक है, मतलब आप कुएं लगा रहे हो, जलाशय बना रहे हो, ये सब कुछ सारी चीजें आपकी नहीं होती थी, आपकी ही जमीन आपकी नहीं होती थी। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया। और वर्तमान परिदृश्य में अब हम आते हैं, चलिए वर्तमान जो परिदृश्य है, यानी वर्तमान में अपने यहाँ राजस्व व्यवस्थाएं कैसे वसूली जाती हैं, कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, कैसे कैसे कार्य होता है, इन सभी पर पूरी की पूरी प्रक्रिया को, ठीक है, हम लोग कल विधिवत परिचर्चा करेंगे। ठीक है, आज की चीजों को यहीं पर विराम देते हैं कि आप वर्तमान जो चीजें मैंने ब्रिटिश के बारे में आपसे बात की उनको अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। जो कुछ आपका यह प्रक्रिया है, यानी राजस्व न्यायालय, राजस्व अधिकारी, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे आपके अगले लेक्चर यानी कल। तब तक मस्त होकर पढ़िए, सारी चीजों को देखिए, लेक्चर शुरू से देखिए,
ग्रामीण विकास के एमसीक्यू होते हैं उन्हें देखिए, अन्य जो लेक्चर होते हैं अच्छे से देखो, ढंग से देखो, सिलेक्शन का यही एक तरीका होता है। बाकी ना तो कोई बूटी है, ठीक है, कि जिसे घिसकर पिला दिया जाए। आप जितना अपने आप पर कार्य कर लोगे, इस मना मस्तिष्क को घिस दोगे, उतने ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। यही सफलता का मार्ग है, यही आज, ठीक है, एक छोटे से बड़ा जो इंसान बनता है वो यही अपनाता है। तो आपको यही करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।